नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक ठाक से होंगे, मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज इंडिया जा रहे हैं हम, चलो आज मिलते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे दिल्ली जाते हैं एस्टोनिया से। वैसे तो यहाँ पर यूक्रेन और जो रशिया की लड़ाई है उसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रिकनेस हो गई है और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है डाटा प्राइवेसी के चक्कर में। बट जितना हो पाएगा मैं उतना वीडियो आपको दिखाऊँगा फिनलैंड से, नहीं सॉरी एस्टोनिया से फिनलैंड का और फिनलैंड से इंडिया का सफ़र। तो बने रहे वीडियो में। लग चुके हम बोर्डिंग क्लास में। मास्तराम ठाकुर एंड शिवराज ठाकुर, ये जो कुलवीर भाई जा चुके लाइन में। तो ये देखो बाहर एस्टोनिया से हम यहाँ निकल रहे हैं, छोटे से जहाज में जाएंगे। बाहर का मौसम तो बिल्कुल ही चिल है, खतरनाक वाला। मजा लें आप। ये बाहर का नजारा दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। ये तालिन एयरपोर्ट, एस्टोनिया की राजधानी। तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट अंदर जहाज में और यहाँ से हम हेलसिंकी के लिए जा रहे हैं। हेलसिंकी में, फिनलैंड की राजधानी, और यहाँ का कुछ व्यू आपको दिखा दूँ मैं। सामने पूरी चकाचौंध एयरपोर्ट। फिनलैंड में उतरते हुए हिमाचली बॉयज उतरते हुए पहुंचते हुए हेलसिंकी में। पीछे हमारे कुलवीर भाई रेलिंग से नीचे उतरते हुए ठाकुर साहब, आगे पैदल चलना पड़ेगा इनको। तो मैं और भाई गए थे कॉफी पीने, और कॉफी कितनी महंगी है ये बताते। फिनलैंड में बहुत महंगाई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना के रूप में आसान है, पर खर्चा करना उतना भी आसान है, उतना ही आसान है जितना कि हम कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा भी उसी हिसाब का होता है। तो ये दो कॉफ़ी ली हमने और दो कोल्ड ड्रिंक ली। कोल्ड ड्रिंक कहाँ भाई? ये कोल्ड ड्रिंक ली है और ये हो गया 14 यूरो 20 सेंट। और ये जो बोतलें ली हैं हमने खाली, इसके उन्होंने 20 सेंट काटे, तो मतलब 16 रुपये इस बोतल के ही है। तो 14 मतलब कुल मिला के ये चार चीज़ें ली हमने 1200 रुपये की। तो इतनी ज़्यादा महंगाई है। आप तो बोल देते हो कि अच्छा कमाते हो बाहर, पर क्यों भाई? यहाँ कमाना कितना मुश्किल है, और उससे ज़्यादा खर्चा भी उससे ज़्यादा होता है। तो इतनी सी कॉफ़ी ये 3.5 यूरो की है, पर चलो पीना पड़ेगी। और हम जब एस्टोनिया से यहाँ तालिन से यहाँ पहुँचे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर होगा कुछ
पर ये देखो चारों तरफ बंद पड़ी हुई है, कोरोना की वजह से। हाँ शायद बंद है, कोरोना के बाद इन्होंने मैक्सिमम जो ड्यूटी फ्री है यहाँ पर, जो सामान उसके चक्कर में थे हम कि यहाँ कुछ मिल जाएगा, पर सारे बंद पड़े हुए। और अभी यहाँ लोग वेट कर रहे हैं फ्लाइट का, कोई नहीं पूछने वाला क्योंकि सभी बंद है यहाँ पर। ये देखो चारों तरफ बंद ही बंद है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि गांव में हम किसी बस का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर सवारी बैठी हुई है, ऐसा ही है। ऐसा लग नहीं रहा कि एयरपोर्ट में है क्योंकि कोई चहल पहल कोई कुछ नहीं है। देखो चाइनीजों को देखो, खुद इन्होंने चारों तरफ कोरोना फैलाया और खुद जाते हैं किट को, पूरी किट के साथ ही। ये देखो सारे चाइनीज हैं, ये पूरी किट में। तो अब हम चल पड़े हैं मिशन इंडिया पर, और हेलसिंकी से सीधे डायरेक्ट ही हमारी यहाँ फ्लाइट है हिमालय गोद में और डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली के लिए। ये इस लड़की को बहुत जल्दी चली है कि अब कब इंडिया पहुँचू। आपको हाँ जी पीछे पीछे। अच्छा अच्छा ये लग गया जहाज, इस जहाज में जाएंगे हम, जरा बाहर से दिखा देते हैं अभी। ये जहाज फिनेयर का, इसमें कर जाएंगे अभी इंडिया। तो सबसे अच्छी बात ये है कि कोई टेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना हेलसिंकी में हुआ है ना सोनिया में हुआ था। और यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया ना, और बाकी बात भेज दिया आगे, अब दिल्ली में देखते हैं क्या बनता है। चलो पतली गली से गुजरते हुए इतना बड़ा जहाज। और अपने शिवराज, हाँ शिवराज बॉडी दिखा रहे जरा। सीट मिली हमें बीच वाली, कौन सी बाजी वाली, डोली स्टार्ट है यहाँ पर डोल की। यहाँ शिवराज परेशान है कि इसको हिंदी मूवी नहीं मिल रही। कौन सी मूवी देखनी? शक्तिमान देखना है, जिद कर रहा बच्चा शक्तिमान देखने का। और ये हमारा जहाज, इसको क्लोज करके यहाँ पर रूट मैप, यहाँ से करेंगे हम लैंड। ये फिनलैंड से ना मॉस्को के बीच बीच जाता हुआ यूक्रेन, ये यूक्रेन से हम जाएंगे नहीं तो सबसे ज़्यादा खतरा है यूक्रेन पे। और इससे कजाकिस्तान, ये है रूट। और यहाँ तो ताजमहल आगरा हो जाएंगे। अच्छा 8:20 पर चलेगी शाम की, और सुबह 6:20 पर पहुँचाएगी हमें इंडिया। खाने का देखें तो क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री, लार्ज बीफ भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री पाँच यूरो की है, वाइट वन 8 यूरो एंड चार कोका कोला, रेड वाइन 8 यूरो, और बाट पानी फ्री है, कोको कोला फ्री है, कोको कोला जीरो फ्री है, फैंटा फ्री है, ब्लूबेरी जूस और ऑरेंज जूस फ्री, कॉफी फ्री, बस इसके बाद कुछ नहीं।
स्नान किया करवाया जा रहा है, गंगा जल prepare for takeoff. तो हम पहुंच गए हैं अपने देश में, अपनी मातृभूमि भारत में, और अभी थोड़ी ही देर में हमारा जहाज़ दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचने वाला है। और ये ऊपर से कैमरे से दिखा रहे हैं अंदर ही हम, और ये नीचे का भाग जिससे ऊपर से हम गुजर रहे हैं, और थोड़ी ही देर में हम अपनी भूमि में पहुंचने ही वाले हैं। और आगे हमारे भारत का ऊपर से सुंदर नज़ारा दिल्ली का, काफ़ी खूबसूरत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। अभी सुबह ही हो रही है, 6:20 पर हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उससे आगे हमारा सफ़र अपने घर के लिए स्टार्ट होगा। बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही है उतने की, कब जहाज हमारा खड़ा हो और हम फटाक से उतरे और अपनी भारत भूमि में पहुँचे। पहुँच तो गए, यहीं पर आगे का सफ़र जारी करें।
तो दोस्तों फाइनली हम एयरपोर्ट से उतर कर निकल पड़े हैं अपनी गांव की ओर। और गांव की देश की बात हो तो आपको पता ही है कि अपने देश और गांव की कीमत तो वही जान सकता है जो बाहर रहता हो, और जब घर वापस आता है तो वो घर आना उसके लिए एक त्यौहार के बराबर होता है कि घर आ रहा है। तो वो बहुत बड़ा त्यौहार है आज उसके भारत में, और जिसे सेलिब्रेट करने वो गांव जा रहा है, अपने भारत जा रहा है। तो कुछ इसी खुशी के साथ हम भी अपने गांव की ओर निकल पड़े हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और तब तक आई होप कि आपने इस वीडियो को इंजॉय किया होगा, और मैंने तो खूब सारा, हमने सभी ने इंजॉय किया है। और आगे मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।